हजरत आयतुल्लाह खुमैनी का हुक्म है कि अज़ादारी सुन्नती अंदाज से होती आई है, सुन्नती अंदाज से बरकरार रहनी चाहिए। इस सदी में हमारे शिया कौम के मुर्शिद हैं आयतुल्लाह खुमैनी, तशय्यो का रंग उन्होंने चढ़ा दिया पूरी दुनिया पर, मुतारिफ करवा दिया कि शिया किसे कहा जाता है। वो शिया जो किताबों में थी उसे बाजारों तक पहुंचा दिया, उसे ऐवानों तक पहुंचा दिया, उसे सियासत का हाकिम बना दिया। उस आयतुल्लाह खुमैनी का हुक्म यह है कि आज़ादारी सुन्नती अंदाज से होनी चाहिए, जैसे अंदाज से हमारे आबा व अजदाद करते आए हैं। अब मैं तो फर्ज करें कि मेरे बुजुर्ग जो है वो राजपुताने के हैं, राजस्थान के हैं। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर हमारे बुजुर्गों के यहाँ तो 9 मुहर्रम को नक्कारा बजता है, नक्कारे पे मातम होता है, आज भी होता है खैरपुर में हमारी इमामबरगा में जी। हैदराबाद दक्कन वालों के यहाँ ऐसे अलम उठते हैं और अमरोहा वालों के वैसे अलम उठते हैं, और गुजरातियों के यहाँ ऐसे होता है जी, और सिंधियों के यहाँ वो तूतड़ी पर मातम होता है जी, शहनाई पर, उसे सिंधी में कहते तूतड़ी जी। और मसलन पंजाबियों के यहाँ इस अंदाज से मातम होता है, और मसलन फर्ज कीजिए कश्मीरियों के यहाँ ऐसे मातम होता है। इमाम खुमैनी फरमा रहे हैं सुन्नती अंदाज से आज़ादारी करो, जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने आज़ादारी की है वैसे करो। एक कायदा कानून जहन पर हाकिम रहे कि हमारी आज़ादारी में कोई चीज हराम काम की ना हो। और हराम काम करने के लिए आप मुफ्ती हैं क्या जो आप बताएंगे कि हराम है? कौन बताता है हराम हलाल? आइम्मा ने बता दिया है, मुज्तहिदीन तशरीह करते हैं। मैं एक और बहुत वाज़ह सी बात करूं, कराची के अंदर अब से कुछ अरसे पहले ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने के बाद बाज लोगों ने नमाज ईद के बाद मातम किया और कहा कि इमाम हुसैन का मौला अली का 10वां है, हम मातम करेंगे। मैंने फतवा मंगाया, मेरे पास आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा है, आयतुल्लाह खामनाई का भी फतवा है कि ईद के दिन नमाज पढ़कर ईद मिलकर अगर कोई इमाम हुसैन का मौला अली का 10वें की नीयत से मातम करता है तो कैसा है? दोनों मुज्तहिदीन ने कहा जायज है। को एक तबका है जो तकलीद करता नहीं है, उसे तो पूछना ही नहीं है मुज्तहिद से। जो तुम तकलीद करते हो तुम क्यों नहीं पूछते? जो तुम तकलीद करते हो तुम क्यों नहीं पूछते मुज्तहिदीन से? खुद मुज्तहिद क्यों हो जाते हो? किसी मुज्तहिद ने मना नहीं किया ईद के दिन मातम करने को। लिहाजा मैंने अपने उलमा से गुजारिश की कि बराए मेहरबानी कौम के अंदर इन बातों के ऊपर इफ्तराख ना डालिए। मोहतरम बुजुर्गों से मैंने हाथ जोड़कर एक फोरम पर कहा, यह फतवा मौजूद है, वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के बाद उसने गले मिलाए और फिर आकर मातम कर रहा है, क्या परेशानी है आपको? और फरमा रहे लिहाजा हमें अपने रवैयों में एतदाल लाने की जरूरत है। या तो कह दीजिए आप खुद मुज्तहिद हैं, आप खुद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जी, क्या मानिए कि आप किसी के मुकल्लिद हैं? मुकल्लिद हैं तो आपने पूछा उनसे नहीं है। सीधा निगरामी, हमें इमाम हुसैन की आज़ादारी को मजाक नहीं बनाना, दूसरों के आगे मजाक नहीं बनवाना। अपने एहसासात और जज्बात को कौम के एहसासात और जज्बात न बनाओ। हम पाबंद हैं, हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं, हम खादिम हैं, हमारा कोई मौला है या नहीं? हमारे मौला ने हमें कुछ बताया या नहीं बताया? बराए मेहरबानी मैं इंतहाई मुअद्दबाना और प्यार से बात कर रहा हूं, जिस अंदाज से सुन्नती अंदाज से आपके ऊपर छोड़ दिया तो आप सिंध में जाके लोगों के सर फोड़ेंगे, आप पर छोड़ दिया तो आप पंजाब में जाके चाकू चलाएंगे, आप पर अगर छोड़ दिया तो आप कराची के मोहल्ले महल्ले के अंदर सर फोड़ेंगे। हर बिरादरी का अंदाज अपना है आज़ादारी का, हर इलाके का अंदाज अपना है आज़ादारी का, इसी में हुस्न है, इसी में इमाम हुसैन की खिदमत है। कहीं अलम कैसे बनते हैं, कहीं अलम कैसे बनते हैं? कोई दो हाथ का मातम करता है, कोई एक हाथ का मातम करता है, कोई बैठ के मातम करता है, कोई खड़ा होकर मातम करता है, क्यों लजन है इन मसलों में? हम अभी कलाबों से बाहर नहीं निकल रहे, दुनिया हमें काटने को तैयार है, हम एक दूसरे की गरेबानों में हाथ डालने से बाज नहीं आ रहे, दुनिया हमें मारने पर तैयार है। खुदा के लिए मैं अपने जवानों से गुजारिश करूंगा, मत करो ये हरकतें, या तो मानो किसी को बड़ा, और अगर कोई तुम्हारा बड़ा नहीं है तो नसीहत सुनो कि इस कौम का बड़ा है साहेबुल आसर, और इमाम को रंजूदा ना करो, इमाम के दुखों में इजाफा नहीं करो, इमाम के जख्मों पर नमक नहीं डालो,
पुरसा देने के लिए जमा हुए हो, मातम करने के लिए जमा हुए हो, रोने के लिए जमा हुए हो, इसी हदफ के साथ जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। तुम्हें क्या पता, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको पता हो, और यकीन पता होना चाहिए, इस मजलिस में रसूलुल्लाह आते हैं, मुझे इस मजलिस में वुजू करके बैठना है, इस मजलिस में जनाबे जहरा आती हैं, ये मामूली जगह नहीं है, मैं किसी को यहाँ धक्का ना दूं, क्या मालूम किसी वली खुदा को धक्का लग जाए, मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ मेरे बराबर में कौन बैठा हुआ है, किसी फरिश्ते को कोई धक्का ना लग जाए, किसी जिन को कोई धक्का ना लग जाए, किसी की पैर किसी का अंगूठा ना छिल जाए मेरी वजह से, मैं आवाज उठाऊं, हाथ उठाऊं, मैं आवाजें बुलंद करूं, नहीं, खुदा के लिए आदाब और तहजीब को हाथ से ना जाने दें, हमारा खासा है, हमारी तहजीब है, हमारे आदाब है, लोग हमें देखकर अपनी जिंदगियों को ठीक करते हैं, कौमें हमें देखकर अपने आप को ठीक करती हैं, हम दूसरी कौमों से ज्यादा मुनज्जम कौम है, कोई ऐसी हरकत मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई हरकत कोई काम मेरी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी कौम की शर्मिंदगी का सबब बने, खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। आपका अगर हल फीकुम रजुलुन रशीद, तुम्हारे दरमियान कोई बड़ा नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो उससे पूछ लो जरा सा, और अगर हम कभी किसी चीज के हराम और हलाल की बात करते हैं तो हमारे पास कुरान से दलील होनी चाहिए, हदीस से मुस्तनद हदीस होनी चाहिए, उसके अलावा मेरे एहसासात और जज्बात कोई मयार नहीं है, मेरे ख्यालात, मेरी आरजू, मेरा ख्याल, मेरा तसव्वुर, मेरी सोच, ये कोई मयार नहीं है, मयार अगर है तो कुरान है, मयार अगर कोई है तो अहले बैत का फरमान है, उसके अलावा कोई मयार नहीं है, कोई किसी का बात किसी की बात मयार नहीं है, खुदा के लिए कौमें हमें देखकर आगे बढ़ रही हैं, और अगर कभी हमारे यहां कोई ऐसी बात हो जाए तो वो नागवार बात हमारी पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगी। मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, बड़े ही प्यार से बात कर रहा हूं, और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं।